हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपके स्क्रीन के नजर सामने नजर आता होगा वो नज़ारा जिसे आई थिंक आप देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आपको अगर ये पिक्चर ज़्यादा समझ में नहीं आती तो आपको बड़ी खबर दे दूँ कि सलमान खान कैमियो कर रहे हैं जुड़वा 2 में। जी हाँ, सलमान खान जुड़वा में नजर आए थे 1997 में डबल रोल में। सेम उसी तरह अब वरुण धवन नजर आएंगे डबल रोल में, यानी सलमान खान की जगह वरुण धवन ने ले ली है। और इस फिल्म में जो दो एक्ट्रेस होंगी वो ये तापसी पन्नू होंगी और जैकलिन फर्नांडिस। पुरानी फिल्म में हमें पता है रंभा थी और करिश्मा कपूर थी, और डायरेक्ट भी डेविड धवन ने किया था। तो इस बार भी डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला, इस फिल्म में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और सलमान खान इस फिल्म का हिस्सा होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी चीज़ है। और हाल फिलहाल में क्लाइमेक्स शूट हुआ था, आई थिंक ये तभी का पिक्चर है, और कहीं ना कहीं सलमान खान भी क्लाइमेक्स का एक पार्ट है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन और मज़ा होने वाला है। फिल्म के रिलीज डेट तो पहले आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में ही थी इस साल, अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या है, इसी साल रिलीज करेंगे या अगले साल। बहरहाल ये फोटो अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बयां करता है। ऐसा लग रहा है कि 20 साल ऐसे बस पल में ही गुजर गया। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान है, डेविड धवन है, सभी सभी ऐसा लग रहा है सब एक ही साथ है। उस समय शायद वरुण धवन 4-5 साल के भी नहीं होंगे, या 6 साल के, जब सलमान खान ने जुड़वा का डबल रोल प्ले किया था 1997 में। तो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील आ रहा है पिक्चर देख के। और सलमान खान अपने ही हिसाब से जिसे लगता है हैंडसम है, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। अब बस यही होप करेंगे कि जल्द से जल्द ये फिल्म आए और सलमान खान को हम कैमियो अवतार में देख पाए जुड़वा 2 में। आप कितने एक्साइटेड हो और अच्छा फील कर रहे इस फोटो को देख के, आप जरूर बता सकते हैं अपनी राय। इसी तरह के वीडियोज आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।